आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज निशिगंधा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आपके साथ हूं मैं जयती। अपने सजाए हैं।
आपने अक्सर सुना होगा ये कहते हुए कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, वहीं रोशनी की एक लौ दिखाई देती है। ये बात भी 100% सत्य है कि चलते चलते अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अब यहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, किधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, उसी वक्त ठीक आपको एक तीसरा रास्ता जो बीच का रास्ता होता है वो नजर आता है। कहने का मतलब ये है कि एक उम्मीद के दामन को थाम कर जरूर रखना चाहिए। जब कोई साथ नहीं देता है या कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, तब जो आपका भरोसा खुद पर किया गया होता है, वही भरोसा आपकी हिम्मत और ताकत बनकर आपके साथ साथ चलने लग जाता है और फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब इस बात पर हम कैसे यकीन करें? अब मैंने अगर आपसे कहा कि आप उम्मीद के दामन को बिल्कुल भी मत छोड़िए, विषम से विषम परिस्थिति में भी आपका ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा आपको खुद को तो हौसला देगा ही और आपको रास्ता भी दिखाएगा। साथ ही अगर आप ये बात किसी अपने से कहेंगे तो उसे भी थोड़ी हिम्मत जरूर मिलेगी और आपके साथ का एहसास बहुत मजबूती के साथ हो जाएगा कि और कोई हो ना हो, ये हमारे साथ जरूर खड़ा है। और भी बातें करेंगे आपके साथ। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूँ मैं जयती। फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर करते हैं आगे की बातें। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी।
कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। बातें हो रही हैं जिंदगी की, जहां पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से एक रास्ता नजर आता है। और कहने का मतलब यह है कि हम उम्मीद के दामन को अगर थाम कर रखें तो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी हौसले का कारण बन सकते हैं। अब देखिए, बात यहाँ एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा सा एक मंत्र है, जिसे अगर हम याद कर लें तो हम कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ सकते, या यूं कहें कि परेशानियां हमें परेशान नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे कि वो कौन सा मंत्र है, तो जनाब वो सीधा साधारण सा मंत्र है कि जीवन में घटने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं या जितनी भी मुश्किलें जो हम तक पहुंचती हैं, उनके सकारात्मक और नकारात्मक कारणों में से दोनों में से किसी पर भी हमारा वश नहीं है। वो परिणाम सकारात्मक है या नकारात्मक, परिणाम का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने कर्म का निर्धारण कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब हम सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को हम जान ही नहीं सकते कि आगे क्या होगा, तो फिर क्यों ना हम सकारात्मक ही सोचें, हम क्यों नकारात्मक सोच अपनी अपने अंदर पैदा होने दें। क्योंकि एक नकारात्मक सोच जो है वो आपके शरीर की सारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसलिए नकारात्मक सोचने के बजाय जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पर अपना वश ना हो, तो हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, सकारात्मक ही सोचना चाहिए। क्योंकि जीवन इतना कठिन नहीं है जितना हम सोच सोच कर जीवन को कठिन बना देते हैं। क्योंकि हम सवालों का जवाब जो है ना, वो आसान फॉर्मूले से निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, हम इतने सारे तर्कों में उलझ जाते हैं कि जीवन मुश्किल लगने लग जाता है। और भी बातें करेंगे आपके साथ, फिलहाल सुनते हैं एक गीत और फिर वापस आकर इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। संसार
सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। बातें हो रही हैं जीवन से जुड़े फॉर्मूलों की। जी हाँ, जीवन से जुड़े हुए फॉर्मूला जो होते हैं वो बहुत, उन्हें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस उन्हें बहुत आसानी से जीते चले जाने की या जिंदगी में शामिल करते चले जाने की जरूरत होती है। अब वो फॉर्मूला क्या है या वो तरीका क्या है? अब देखिए, हमें सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा हमें तब आता है जब हमारे सामने कोई बहुत ही मुश्किल सी घड़ी होती है और उसमें कोई व्यक्ति अगर हमसे बहस करने लग जाए, यानी कि उसी मुद्दे पर वो अपने तर्क अपने हिसाब से अगर आपको समझाने की कोशिश करने लग जाता है तो आप उसे बहस मानकर नाराज होने लग जाते हैं। यानी कि जो आपका जो गुस्सा होता है ना, वो साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। अब सोचिए कितनी अजीब सी बात है, हम बहस को याद रखते हैं लेकिन बहस करने वाले व्यक्ति का आपके प्रति जो लगाव है उसे भूल जाते हैं। जनाब आप सोचिए कि अगर आपसे किसी को मतलब ना हो, आपकी परवाह ना हो, आपकी फिक्र ना हो, तो कोई आपसे बहस क्यों ही करेगा? नहीं करेगा ना। तो हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि बहस मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और जब ये फिक्र बंद हो जाएगी तो मैं सब देखते हुए भी अनजान हो जाऊंगा या सब देखते हुए भी अनजान हो जाऊंगी। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, सारी लड़ाइयां खत्म और सारे रिश्ते जो हैं वो फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। यानी कि जहां सिर्फ प्यार था, आपने कहा था ना कि वो पुरानी वाली कहानी दोहराने के लिए कि चांद से चांद सी बातें करना, चांद वाली बातें करना, तो जनाब यही तो चांद जैसी बातें हैं कि चांद को हम आसमान में देखकर न जाने कितने कसीदे पढ़ जाते हैं, पर जिंदगी के फलसफे को कैसे भूल जाते हैं। जिंदगी को फलसफों के साथ जीना जब हम सीख लेंगे, पर वो फलसफे जो जिंदगी को मुश्किल नहीं आसान बनाए, तो बहुत सारी परेशानियों का हल आपके पॉकेट में ही होगा। बस हाथ डालिए पॉकेट के अंदर और निकालिए और फिर जिंदगी को जीना शुरू कर दीजिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जो जहां भी ले जाए राहे हम
सब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। बात हो रही है जीवन को जीने वाले मंत्र की, यानी कि सीधे साधारण तरीकों की हम बातें कर रहे हैं, जिन बातों के कारण हम जिंदगी को बहुत मुश्किल कर देते हैं, या हमारे जो आपस के रिश्ते हैं ना, आसपास के रिश्ते, प्यार वाले रिश्ते, जिनसे हम चांद जैसी बातें कर सकते हैं, वो रिश्ते हमसे दूर होने लग जाते हैं। चलिए अब बात हो गई कि कोई हमसे जब बहस करने लग जाए तो हम कितनी गलत बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं या नाराज हो जाते हैं, तो जनाब बहस भी वही करेगा जिन्हें आपकी परवाह होगी। अगर परवाह नहीं होगी तो वो आपको मुश्किल में देखकर अनजान बनकर बगल से गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात आती है
कि क्या होता है कि इन सारी कोशिशों के दौरान एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी सामने आती है। वो क्या है कि हम अपने आपस के रिश्तों को तब महत्व देते हैं जब हमें ये लगता है कि सामने वाले की नजर में भी हमारा महत्व है। जनाब, रिश्तों में महत्व को समझाने की जरूरत तो शायद नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर समझा करके अगर आप अपने महत्व के एहसास को महसूस करते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि वहां आपकी जरूरत ही नहीं है। किसी को भी अपना महत्व उसकी नजर में आपको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी के लिए कितना मायने रखते हैं ये सामने वाले का आपके प्रति किया गया व्यवहार समझा देगा कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब भी ऐसे हालात बने ना, तो अपना महत्व खुद से सामने वाले को समझाने की कोशिश जरा भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जाने या अनजाने में आप अपने महत्व को स्वयं ही समाप्त करते चले जाएंगे। इसलिए सोचिए और समझिए और सामने वाले का आपके प्रति क्या व्यवहार है, इससे आप निर्धारण करिए कि आप उस व्यक्ति के लिए कितना मायने रखते हैं। हाँ, उसकी मदद करते वक्त में या उसकी मुश्किलों को दूर करते वक्त में ये बात बिल्कुल भी दिमाग में ना आने दें कि वो उस व्यक्ति की मदद आप किसे स्वार्थ के कारण कर रहे हैं, क्योंकि बात जब स्वार्थ की आ जाएगी ना, तो फिर वो रिश्तों का अपनापन खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी का मूल मंत्र होना चाहिए। महत्व को समझाइए नहीं, महत्व को तो बनने दीजिए। दूसरों की नजर में आप कितने महत्वपूर्ण हैं वो सामने वाले को अपने व्यवहार से जताने दीजिए। सुन रहे हैं आप निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूँ मैं जयती। सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत और फिर आगे चलते हैं। फिलहाल आपको याद दिला दें, संदेशों के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। हमारा नंबर है 9868868753 और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com।
सुन रहे हैं निशिगंधा और आपके साथ हूं मैं जयती। अब बात जब जिंदगी की इन फलसफों की चल रही है, जीवन के मंत्र की चल रही है, तो एक बात और, बहुत सारी बातों का हल निकल आता है एक पल में, या बहुत सारे शिकवे शिकायत दूर हो जाते हैं एक ही पल में। अब आप पूछेंगे कैसे? तो एक शहर में एक बोर्ड पर लिखा हुआ था टॉक, TALK, टॉक यानी बात करो। अब बात करो क्या है कि जी हाँ, अगर आपको लगने लग जाए ना कि रिश्तों में दूरी आ रही है, शिकायतें हो रही हैं, अपना महत्व समझाना पड़ रहा है, या सामने वाला आपको महत्व नहीं दे रहा है, वो बहस कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सारे सवाल का जवाब है बात करो, आपस में बात करो। क्योंकि बात ना करने की जो कमी होती है ना, वो धीरे धीरे करके आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्योंकि ये बात जानने के बजाय कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, हम कुछ और धारणा बना लेते हैं जब हम बात नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप बात करेंगे ही नहीं तो ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि जब हम कहेंगे ही नहीं तो सामने वाला अगर हमारे बारे में गलत धारणा बना ले तो हमें शिकायत क्यों हो जाती है? शिकायत की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बात ही नहीं करेंगे तो सामने वाला आपके मन को कैसे पढ़ेगा? ये कला सबके पास नहीं होती है कि वो आपके मन को पढ़ सके या आपकी खामोशी की भाषा को समझ सके। कभी कभी शब्दों की कमी जो है वो आपके रिश्ते को, आपके जीवन की खुशियों को सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है। और जब आपको एहसास होता है तब तक बहुत सारी चीजें आपसे छूट चुकी होती हैं। इसलिए बात ना करने की कमी को जिंदगी में जगह बिल्कुल भी ना दे। बात करते रहिए, शिकायत है तो भी बात करिए, नाराजगी है तो भी बात करिए, बहस भी करिए। क्योंकि बहस वहां होगी जहां आपकी परवाह होगी, पर बहस को इतना मत बढ़ने दीजिए कि वो बहस आपको अपनों से दूर कर दे। नाराजगी है, नाराज हो लीजिए, दिन भर नाराज हो लीजिए, पर दिन बीतने के साथ ही कुछ ऐसा करिए कि ये नाराजगी भी दूर हो जाए। जिंदगी इसी को कहते हैं, जिंदगी जीना भी इसी को कहते हैं, और जिंदगी जीने की कला भी इसी को कहते हैं। सुन रहे हैं आप निशिगंधा और आपके साथ हूँ मैं जयती। में उम्मीदों की दरिया मुस्कुराई है, गम
कर हम भी देखेंगे मोहब्बत में जरा क्यों बहा कर हम भी देखेंगे तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे अजी हाँ हम भी देखेंगे मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना तड़पना चुप के आह भरना घुट के मर जाना तड़पना याद करती है ये क्या कम है सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अब आपसे एक छोटी सी बात और भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जीवन में हमारे कुछ अनुभव इतने बुरे हो जाते हैं इतने खराब हो जाते हैं कि हम अपने आने वाले समय को भी उन्हीं अनुभवों से जोड़कर देखने लग जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण कि जैसे किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई छल किया या धोखा दिया तो आप क्या करते हैं कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपका नजरिया वही रहता है जो पीछे आपने महसूस किया होता है। जनाब सतर्क रहने को तो सभी कहते हैं, सतर्क जरूर रहिए, पिछले अनुभवों से एक सबक जरूर लीजिए, पर अगर आपने अतीत को अतीत में नहीं छोड़ा तो फिर ये आपके भविष्य को नष्ट कर देगा, काफी कुछ ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो आज मिला है ना उसके लिए जीना सीखना चाहिए। जो अतीत में आपसे खो गया छूट गया उसे वहीं छोड़ दीजिए, उसे बार बार याद करके खुद को दुखी होना दुखी करना या फिर उस अनुभव के आधार पर दूसरे व्यक्ति को जज करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जो आज मिला है उसके लिए जीना शुरू कर दीजिए, उसके लिए नहीं जो कल जा चुका है, जो बीत चुका है। बीते हुए कल में अगर ठहरने की कोशिश करेंगे तो आपका आने वाला कल और आज यानी वर्तमान और भविष्य दोनों ही आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएंगे और आप खाली हाथ खड़े होकर देखते रह जाएंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ना सीखिए, पीछे लौटना नहीं। सुन रहे हैं आप निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त बहुत थोड़ा रह गया है इसलिए आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर हम तुम साथ साथ में।
छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, जो है खरा सोना। दूर है किनारा दूर है किनारा गहरी नदी की धारा टूटी तेरी नैया माझी जाओ रे ये नैया खेत जाओ रे दूर है किनारा आधी कभी कभी मझधार ओ माझी रे माझी रे आधी कभी तूफान कभी कभी मझधार जीत है उसी की जिसने धारा टूटी
फिर भी खेत जाओ रे, ये नैया खेत जाओ।